नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बितालुक में। मैं रवि तिवारी आज से एक नई जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। हमारे प्रदेश के बारे में जानकारी हमें इकट्ठी करनी है, उत्तर प्रदेश विशेष। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षा में आपकी लूंगा, तो उत्तर प्रदेश विशेष के पहले एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आप प्रदेश की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, लेकिन आप जानते हैं कि लगभग प्रत्येक परीक्षा में 12 से 10 से 12 क्वेश्चन आपके प्रदेश विशेष से होते हैं और लगातार इनका जो आने बारंबारता है वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब प्रश्नों की संख्या कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। प्रश्न जटिलता के साथ पूछे जाते हैं, तो हमें एक ऐसा तरीका अपनाना है कि हम बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश को क्लियर करें। मैंने एपिसोड वाइज आपके नोट्स बनवा दिए हैं, तो नोट्स से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आज पहली क्लास है, पहली क्लास को थोड़ा सा छोटा लूंगा और फिर अगली क्लास से क्लास की ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट की रखूंगा। रिकॉर्डेड क्लास जब होती है और 40 मिनट बोलना होता है तो एक बड़ी बात होती है, तो आप भी उतना ही तैयार करें जितने में बेहतरीन तरीके से चीजें आपको तैयार हो जाए। और अगर आप भविष्य में पीसीएस तक की भी कभी परीक्षा दें तो उत्तर प्रदेश विशेष आपको कभी द्वारा तैयार ना करना पड़े। इस तरीके से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। मैं बहुत बारीकी से मैपिंग के माध्यम से आपको चीजें क्लियर करूंगा। आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि सर इतना बताने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप अपने प्रदेश में हैं और आपने कभी भी बड़ी परीक्षा देने का एक सपना देखा है, या आपने ये सोचा है कि जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसमें से आपका यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमें बहुत शुरुआत करनी होगी बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से। तो उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय से, है ना। नाम तो हमें क्लियर ही है, उत्तर प्रदेश है ना। और 24 जनवरी 1950 की डेट भी हमें याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हालांकि स्थापना तो 19 जनवरी को ही हुई थी, लेकिन पुनर्स्थापना वाला जो दिन है वही स्थापना के दिन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो अगर कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। इसीलिए प्रत्येक 24 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 24 जनवरी के दिन हम क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे हम उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद हम प्रदेश की स्थिति की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य किसमें, जनसंख्या के मामले में, है ना। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के हिसाब से यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़े राज्य की बात अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से करें तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बेटा बताइए, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। फिर कौन सा है बताइए, मध्य प्रदेश है। कभी कभी पहले 5 राज्य आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्लियर कर लीजिए। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर बताओ कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से फिर महाराष्ट्र की स्थिति आती है। महाराष्ट्र के बाद फिर किसकी स्थिति है, अपने प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की। और अपने प्रदेश के बाद की स्थिति भी आपसे पूछ ली जाती है तो अपने प्रदेश की बाद जिसकी स्थिति है वो कौन सा है, गुजरात, है ना। तो सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है बताइए, चौथा सबसे बड़ा राज्य। एक चीज और मैं क्लियर कर लूं कि आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश को के 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को सन 2000 में अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी अपना ही हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को सन 2000 में जो अलग किया गया था तो इस नए राज्य का गठन किया गया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तराखंड। तो एक बेसिक बातचीत हो गई। पहले आज कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे, पहले उन बेसिक जानकारियों को इकट्ठा करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। फिर अपने प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इन 4 मैप्स के माध्यम से जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपके प्रदेश को समझाऊंगा, है ना। तो देखिए, अब ढेर सारी बातें होती है। सबसे पहले राजकीय चिन्ह आपका क्या है, ठीक है। फिर आपकी राजकीय भाषा क्या है। फिर आपका आता है राजकीय पुष्प क्या है, आपको मालूम होगा, लेकिन अगर हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो एक बार क्लियर होना चाहिए, है ना। फिर आपको पता होगा कि राजकीय वृक्ष आपका क्या है,
हेलो, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय भाषा क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो आइए सबके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। तो देखिए, राजकीय जो भाषा है 1947 से तो आपकी क्या थी बताइए, हिंदी थी, है ना। 1947 से अगर हम बात करें तो 1947 से राजकीय भाषा आपकी हिंदी थी, जो पहली राजकीय भाषा थी। फिर 1989 के बाद उर्दू को भी राजकीय भाषा मान लिया गया। तो हिंदी और उर्दू दोनों ही राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार की जाती है। तो राजकीय जो भाषा है आपकी, ऊपर लिख दिया मैंने, भाषा से शुरुआत करते हैं। राजकीय जो भाषा है आपकी, वो आपकी क्या है बताइए, हिंदी। और हिंदी के बाद फिर 1989 से सन याद करिएगा कौन सी, उर्दू। हाँ, 1989 से सन याद रखिएगा। और हिंदी तो 1947 से ही थी, जो स्वतंत्रता के बाद थी। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्य के चिन्ह क्या है। तो राज्य के चिन्ह में मछली है प्रदेश सरकार के सिंबल के साथ, और धनुष बाण है। मछली है, मत्स्य का चिन्ह दोनों तरफ, और धनुष बाण है। तो अगर हम बात करें कि राज्य के चिन्ह क्या है, तो राज्य के चिन्ह मछली के साथ धनुष बाण का निशान है। अगर हम बात करें कि राज्य के पुष्प क्या है, तो राज्य के पुष्प क्या है बताइए, पलाश है। और राज्य के वृक्ष क्या है, अशोक है, है ना। राज्य के पुष्प आपका क्या है बताइए, पलाश है। और राज्य के वृक्ष क्या है आपका बताइए, अशोक है। अगर मैं आपसे कहूं कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है, तो आप कहेंगे जो राजकीय पशु है वो क्या है बताइए, वारहसिंगा। वारहसिंगा जो है वो क्या है बताइए, राजकीय पशु है। अगर मैं कहूं राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है बेटा सारस, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्रौच। राज्य के पक्षी हमारा क्या है बताइए, सारस या तो क्रौच। क्लियर हो गया। और इस समय राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन देवी पटेल है, हाँ आनंदीबेन पटेल। और राज्य के मुख्यमंत्री कौन है हमारे, योगी आदित्यनाथ बाबा जी, है ना। तो इतना ध्यान रखना है। राज्य के चिन्ह मछली के साथ धनुष बाण, राज्य की भाषा 1947 से हिंदी थी फिर उर्दू हो गई, राज्य के पुष्प क्या था, पलाश था, राज्य के वृक्ष क्या, पलाश था नहीं है, राज्य के वृक्ष क्या है, अशोक है। राज्य के पशु क्या है, बारहसिंगा है। राज्य के पक्षी क्या है, सारस है। भले आप क्या करिएगा, मैं अभी सारी चीजें आपको क्लियर करता हूं, आप क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लेकिन मैंने सारी चीज आपको नोट्स में मेंशन की है। हम जिस अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, सुंदर प्रदेश की, इसमें 75 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं बेटा, और 18 मंडल है। 75 जिले, 18 मंडल। सबसे अंतिम मंडल आपसे पूछा जाता है, तो सबसे अंतिम मंडल कौन सा है बताइए, अलीगढ़ है। सबसे अंतिम मंडल कौन सा है बताइए, अलीगढ़ है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सीमा के बारे में धीरे धीरे बात करना प्रारंभ करते हैं। इतनी बात क्लियर है, 75 जिले हैं और 18 मंडल है। आइए अब इससे आगे जब हम लोग बात करते हैं, प्रदेश की राजधानी तो हम कह रहे हैं लखनऊ है। क्लियर है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, प्रदेश की राजधानी कैसी राजधानी, राजकीय राजधानी या प्रशासनिक राजधानी आपकी कौन सी है बताइए, लखनऊ है। चलो अगर मैं कहूं प्रदेश की धार्मिक राजधानी कौन सी है बताइए, तो आपकी धार्मिक राजधानी बेटा क्या मानी गई है, तो धार्मिक राजधानी आपकी मानी गई है वाराणसी। क्या मानी गई है बताइए, वाराणसी। वाराणसी और प्रयागराज में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, धार्मिक राजधानी की जब भी बात होगी तो धार्मिक राजधानी आपकी कौन सी है, वाराणसी। और अगर पूछा जाए कि प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है ना, न्यायिक राजधानी, तीर्थराज प्रयाग को कभी कभी हम कंफ्यूजन में टिक कर देते हैं धार्मिक राजधानी, न्यायिक राजधानी आपकी इलाहाबाद या तो प्रयागराज, इलाहाबाद या तो प्रयागराज। क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रदेश की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी, है ना, आर्थिक पूछा जाता है या औद्योगिक भी पूछा जाता है, तो प्रदेश की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें, तो प्रदेश की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी आपकी कौन सी है बताइए, कानपुर है। आर्थिक या औद्योगिक राजधानी इस प्रदेश की अपनी बताइए क्या है बताइए, कानपुर है। क्लियर है, हाँ। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं इससे, अब बात करते हैं, चलिए अब इसमें बात करते हैं। अगर हम लोग देखें अपने प्रदेश की सीमा को इस हिसाब से बेटा, चलो ऐसे ठीक, अगर हम बात करें कि सबसे पूर्वी जिला,
सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो देखो ये बाहर निकला हुआ दिख रहा है, सबसे पहले पूरब की बात करते हैं, ये देखिए जब आप एक पहले तो एक क्या करिएगा, एक आउटलाइन बेटा मैप लीजिएगा, है ना, आप लोग भी एक आउटलाइन मैप लीजिएगा और मेरे तरीके से जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता चलूं, जिस दिन जो पढ़ाता चलूं उस दिन उतनी चीजों को आप लिखता चलिए, है ना। ये देखिए ये जो आकृति आपको दिख रही है ये बलिया है, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं आउटलाइन में, है ना, दिख रहा है ये मैं आपको देखिए रेड कर रहा हूं, ये जिला कौन सा है बताइए, बलिया, है ना। तो उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की जब बात होगी तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो होगा वो कौन सा होगा बताइए आपका, तो आप कहेंगे बलिया होगा, बलिया। चलिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जब आप उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे दक्षिण में, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे लगता है कि वो दो पांव पर खड़ा है, ललितपुर भी लटका हुआ है और सोनभद्र भी लटका हुआ है, लेकिन सोनभद्र थोड़ा सा नीचे से ज्यादा लटका हुआ है, और सोनभद्र एकमात्र ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, कौन सा, सोनभद्र। फिलहाल मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी जिस जानकारी को ले रहा हूं उस जानकारी को आप समझने की कोशिश करिए। ये जो सोनभद्र है देखिए मैं इसकी स्थिति को यहां बना रहा हूं बेटा, है ना, कलर्ड पेन से मैं इसकी स्थिति को यहां बना रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं देखिए सोनभद्र है, ये है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, अगर कहा जाए प्रदेश की सबसे दक्षिणी सीमा है, सबसे दक्षिणतम जिला आपका कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो होगा वो दक्षिणी जिला क्या होगा बताइए, तो आप कहेंगे सर ये सोनभद्र, सोनभद्र है। अब एक जिला का नवीन गठन हुआ था, वो जिला नया गठित हुआ था, कौन सा बताइए, ये जो जिला आपको खिला है शामली, इसकी सीमा थोड़ी सी बाहर निकली हुई है बागपत से और गाजियाबाद से, तो ये जो शामली जिला है ये सबसे पश्चिमी सीमा का निर्माण करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ये हिस्सा देखिए आप, देखिए ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं बेटा ये छोटा सा शामली है, बागपत मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, सहारनपुर बागपत मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तीनों की सीमाओं के बीच में जो ये जिला है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये जिला कौन सा है बताइए, शामली, है ना। और ये जो शामली जिला है ना बेटा ये सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला है, क्लियर। और ये देखिए सहारनपुर की स्थिति इतनी स्पष्ट है कि यहां पर आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये जो सहारनपुर आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो है सहारनपुर, है ना, ये क्या है बताइए, सबसे उत्तरी जिला है। तो सबसे उत्तरी जिले की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कौन सा होगा बताइए, सहारनपुर, ये क्या है बताइए, सबसे उत्तरी जिला है। तो चार बिंदु आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, चार बिंदु आपके दिमाग में सेट होने चाहिए और आपके मैप में भी होने चाहिए। ये देखिए एक तो इस बिंदु की बात कर रहा हूं सोनभद्र, एक ये बलिया हो गया आपका, दूसरा ये बिंदु, तीसरा आपका ये देखिए शामली और चौथा क्या है सहारनपुर। एक खास बात है कि शामली और सहारनपुर इतने नजदीक है कि हमारे उत्तरी और पश्चिमी जिलों की सीमाएं आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक है, कौन कौन सी, शामली और सहारनपुर, देख पा रहे हैं उत्तरी और पश्चिमी जिलों की सीमाएं हमारे बहुत क्या है ये नजदीक है, क्लियर हुई बात। आइए तो ये हमारी चारों सीमा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आपसे पूछा जाता है सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला शामली और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बताइए सहारनपुर, ये क्लियर हो गया। आइए अब कुछ और बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। अब यहां पर जब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक परिचय से, तो कुछ जिलों की विशेषताओं के हिसाब से इनकी बात को करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो देखो बेटा ये जो आपको जिला दिख रहा है इस जिले को हम कहते हैं लखीमपुर खीरी, क्या कहते हैं बेटा, लखीमपुर खीरी, देख पा रहे हैं ये है ना, ये जो जिला है लखीमपुर खीरी इसको ये सौभाग्य प्राप्त है लखीमपुर खीरी कि ये भैया प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, क्या प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, कुछ विशेषताओं को क्लियर करता चलता हूं, है ना। चलो अगर सबसे बड़े जिले की बात हुई है तो फिर हमारी ड्यूटी ये होती है कि हम सबसे छोटे जिले की बात करें। तो देखो बीच में आपको ये दिखेगा छोटा सा जिला हापुड़, ये दिख रहा है बेटा, देखो ये जो सीमा है किसकी है बताइए, हापुड़ की, क्या है बताइए, हापुड़, है ना। तो ये जो हापुड़ की सीमा है बेटा ये प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, तो
आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे छोटा जिला है ना, तो प्रदेश का सबसे छोटा जिला बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हापुड़ होगा। ये आप तो सबसे बड़े को निकाल दिया और सबसे छोटे को निकाल दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि देखिए वैसे तो 75 जिले अपने आप में सुनहरे हैं, प्रत्येक जिला कोई ना कोई विशेषता लिए हुए है, धीरे धीरे हम लोग उसकी बात करेंगे, पहले उन प्रश्नों को खींच के बाहर लाते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद बनायु। देखिए ये बनायु की स्थिति ऐसी है कि स्थिति के कारण ये बनायु अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है, अपनी विशेषता को प्रदर्शित करता है अपनी स्थिति के कारण। कैसे, जैसे देखो आपने पीलीभीत को देखा तो इस तरफ कुछ नहीं है, अब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ या तो कोई दूसरा राज्य होगा या तो कोई दूसरा देश होगा, है ना। आपने हापुड़ को देखा तो चीजें इतनी, बदायु क्या है, फैला है, और बदायु सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को बन नहीं रहा है, यहां पर मेंशन करिए दिमाग में, सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो जिला है आपका बेटा वो कौन सा है बताइए, बदायु है ना। तो तीन चीजें यहां पर हमने क्लियर की, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है ना, बदायु सबसे ज्यादा जिलों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज, और जो हापुड़ है आपका वो सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए, हापुड़। अब यहां पर एक चीज और कर लीजिए, ये जैसे नीचे बेटा आपने देखा था यहां पर ये था सबसे ज्यादा है ना, सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला जो अपना राज्य वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। 11 जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती हैं। अगर हम लोग यहां से बात करें तो देखो, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ यहां से देखिए मध्य प्रदेश आपका शुरू होता है, ये पूरा आप देखिए लाल लाल जो मध्य प्रदेश चल रहा है ये यहां से पूरा बेटा यहां से आइए आगरा तक पूरा ये चलेगा। देखिए बांदा होते हुए निकल रहा है, ये महोबा आ गए हम लोग बुंदेलखंड में, झांसी आ गए बेटा, झांसी के बाद ललितपुर, तो तीन तरीके से मध्य प्रदेश से घिरा होगा। ललितपुर के बाद और हम ऊपर आ गए, यहां पर देखो जालौन आ गए, जालौन से फिर हम इटावा आ गए, इटावा से देखो ये हम आगरा की सीमा को लिए है। तो मध्य प्रदेश ये जो आप सीमा देख रहे हैं बेटा, यहां से मैंने सोनभद्र शुरू करके जो सीमा आपकी ये बनाई है, जो आपने रेड लाइन में मेरी सीमा को देखा है, ये जो सीमा है ये राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य का कौन सा है बेटा, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश, कितने जिलों के साथ, 11 जिलों के साथ है ना। तो 11 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। तो अब इस डिटेल को शुरू करते हैं, अब 11 जिले वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर करते हैं। देखो बिल्कुल रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है चीजों को। 11 जिले कौन कौन से, तो यही देखिए, सबसे पहले मैं बिंदी रख रहा हूं, सबसे पहला जिला ये कौन सा है बताइए, सोनभद्र। तो आप कहेंगे सर पहला जिला कौन सा है बताओ बेटा, सोनभद्र। चलो फिर अगर सोनभद्र के बाद दूसरे जिले की बात हो तो देखो फिर मैं दूसरी बिंदी ये रख रहा हूं यहां पर, तो दूसरा जिला आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे मिर्जापुर। प्रश्न कई बार पूछा गया यहां से, डिटेल में आराम से पढ़ी हड़बड़ाई नहीं। तीसरा जिला फिर हम मिर्जापुर के बगल में यहां पे आएंगे तो कौन सा है, प्रयागराज। तो आप कहेंगे सर तीसरा जिला आपका प्रयागराज हो गया या इलाहाबाद है ना। प्रयागराज के बगल में देखिए जैसे आएंगे तो चित्रकूट लगा हुआ है, तो ये यहां पे चित्रकूट हो गया। 11 जिले हमें गिनने हैं। फिर चित्रकूट के जस्ट बगल में आपकी बांदा की अवस्थिति है, तो ये जिला आपका कौन सा हो गया बताइए, बांदा हो गया। बांदा के जस्ट बगल में आएंगे आप तो महोबा की अवस्थिति है, तो ये जिला आपका कौन सा हो गया बताइए, महोबा हो गया। अब महोबा के ठीक बगल में आप देखेंगे तो झांसी है, ये झांसी हो गया आपका। ललितपुर तीन तरीके से, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है क्योंकि ये तो पूरा मध्य प्रदेश ही है, तो झांसी के बाद क्या हो गया आपका, ललितपुर हो गया। ललितपुर के बाद जब हम और ऊपर चल रहे हैं यहां पर झांसी के बाद, तो जालौन की स्थिति आएगी, तो ये जालौन हो गया। जालौन के बाद बेटा फिर देखो ये क्या है आपका, इटावा। ये जालौन ले लिया, ये झांसी ले लिया, ये ललितपुर ले लिया, ये महोबा ले लिया, ये बांदा ले लिया, फिर क्या है बताइए, इटावा। तो आपका ये इटावा हो गया, क्लियर। इटावा के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा हो गया बताइए आपका, आगरा। तो ये आपका कौन सा हो गया बताइए, आगरा।
अगर हम इनको गिने जो सबसे बड़ी सीमा है वो किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ। और कितने जिले इस सीमा की जद में आते हैं, 11 जिले बेटा इस सीमा की जद में आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा का निर्धारण करने वाला राज्य है अपने प्रदेश के साथ, और कितने जिले आते हैं, 11। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, या मध्य प्रदेश के साथ निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नहीं लगती है। 4 जिले आपको दे दिए जाते हैं, उन 4 में से किसी एक को आपको पूछ लिया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मध्य प्रदेश के बाद, ये तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब मध्य प्रदेश के बाद 7 जिलों की सीमा कहां से लगती है बताइए। 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के बाद, फिर 7 और 7 दो जगह 7 जिलों की सीमा लगती है उत्तराखंड और बिहार से, है ना, उत्तराखंड और बिहार से। क्लियर, आइए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए इस मैप में डिटेल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो उत्तराखंड और बिहार से कितने जिलों की सीमा, 7। देखो ये तो देखो झारखंड, ये जो आपकी लाइन बनी है इसके नीचे क्या है बताओ, झारखंड। मैंने क्या कहा, ये सोनभद्र। देखो एक तो इसने छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को टच किया इस हिस्से में, भाई मध्य प्रदेश से कटा था। फिर देखो झारखंड है, इसने झारखंड के साथ अपनी सीमा को टच किया इस हिस्से में। फिर ये बिहार है, ये बिहार के साथ भी अपनी सीमा को टच कर रहा है इस हिस्से में। और यहां से फिर बताओ ये क्या है, एमपी है, और ये एमपी के साथ अपनी सीमा को टच कर रहा है इस हिस्से में। क्लियर, तो देखो सोनभद्र कितने जगह से हो गया, 4 जगह से। कहां कहां से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और बिहार से। अब हमें यह देखना है कि जो 7 जिले हैं, है ना, वो 7 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं किसके साथ, बिहार के साथ। अगर हम वहां से देखना शुरू करें, मैं अभी आपको अंकित करता हूं, तो ये 7 जिले कौन कौन से हैं, पहले मैं लिख दूं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवलिया, बलिया, है ना। चलो महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, दिख रहा है वहां पे मैप। अगर आप मैप खोल लेंगे यूपी का तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आज पहला दिन है, कल से मैप बुक लेके बैठिएगा, ठीक है। हाँ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कौन कौन सा, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, 7 जिले। ये 7 जिले किसके साथ, बिहार के साथ। हम किसके साथ इनको देख रहे हैं, बिहार के साथ हम इन 7 जिलों को देख रहे हैं। क्लियर, चलो अब देखो शुरुआत करते हैं यहां से। अगर हम अंकित करने की शुरुआत करें तो ये बिहार है, तो सबसे पहले तो देखो ये चंदौली है आपका, ये चंदौली है। चंदौली के बाद फिर क्या बताइए, गाजीपुर है, है ना। सबसे पहले क्या हो गया बताइए, चंदौली, ऐसे ले लीजिए चंदौली के बाद फिर गाजीपुर, गाजीपुर के बाद जब और ऊपर आए तो आप बलिया, नीचे से देखिए ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे चलिए, ठीक है। सबसे पहले चंदौली, गाजीपुर, बलिया, बलिया से जैसे ऊपर आएंगे तो ये आप देवरिया, मैं लाल स्पॉट रख रहा हूं, आप भी अपने मैप में इसको ऐसे दिखाएंगे, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, है ना। देवरिया के बाद क्या है बताइए, कुशीनगर, है ना। तो देवरिया के बाद क्या हो गया बताइए, कुशीनगर, है ना। कुशीनगर के जैसे ऊपर आप आएंगे तो ये बताइए क्या है बताइए, महाराजगंज। ये क्या है बताइए, महाराजगंज, देख रहे हैं, ये आपका महाराजगंज हो गया। और महाराजगंज के बाद क्या है बताइए, सोनभद्र। ये सोनभद्र हमने यहां से शुरुआत किया था, क्लियर। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, कितने हो गए, 7। ये बेटा जो 7 जिले हैं, ये 7 जिले सीमा का निर्धारण करते हैं किसके साथ, बिहार के साथ। क्लियर, अब देखो बिहार जैसे यहां पे खत्म हो रहा है, क्लियर, तो अब यहां से 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, वो भी कितनी है, 7, है ना, 11, 7, 7 और फिर 6, 6 हरियाणा, है ना, 6 किसके साथ, हरियाणा। तो अब अगर उत्तराखंड के साथ हम बात करें तो उत्तराखंड के साथ भी कितने हैं बताइए, 7 है। यहां से शुरू कर ले हम लोग उत्तराखंड की स्थिति को, ये पूरा आप देख रहे हैं बेटा, ये ऊपर हिमाचल प्रदेश लगा है, यहां से आप देख रहे हैं, ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी जो लाल लाइन है बेटा आपकी, ये लाल लाइन कहां की है बताइए, उत्तराखंड की है, देख रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि उत्तराखंड कितने, 13 जिलों से,
13 जिलों को अलग किया गया सन कब 2000 में और एक नए राज्य का गठन किया गया उत्तराखंड। वर्तमान में अगर हम देखें तो उत्तराखंड से प्रदेश की कितने जिलों की सीमा लगती है तो आप कहेंगे 7 जिलों की सीमा लगती है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो बहुत आसान है इसको क्लियर करना, वो 7 जिले आपको स्पष्ट रूप से दिख भी रहे होंगे उत्तराखंड के। कौन कौन से 7 जिले हैं उत्तराखंड के बताइए जो सीमा लगाते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं आप, देख रहे हैं सहारनपुर, सहारनपुर के बाद आप क्या देख रहे हैं बताइए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, है ना। सहारनपुर सबसे पहले, सहारनपुर ये देखिए, सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली और फिर पीलीभीत। बिल्कुल आप कुछ नहीं देखना, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 क्या क्या है बताइए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। जगह नहीं है, नाम आप नोट करिए। 7 जिलों की सीमा कहां से लगती है बताइए, इन 7 जिलों की सीमा लगती है बेटा कहां से बताइए, उत्तराखंड से। क्लियर हुई बात। चलो अब एक चीज और यहां पर समझना, क्लियर करो इसको। 11 7 7 6 अगर हम पहले 4 हिसाब से देखें तो 11 जिले 7 जिले 7 जिले और 6 जिले, है ना। तो 11 जिले कहां पे, तो आप कहेंगे एमपी के साथ। 7 जिले कहां पे, तो 7 जिले किसके साथ, बिहार के साथ, पड़ोसी अपना। फिर 7 जिले किसके साथ, उत्तराखंड जो हम ही से अलग हुआ है सन 2000 में, है ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सन 2000 में इकट्ठे अलग हुए थे और वो हमसे अलग नहीं हुए थे छत्तीसगढ़। खैर अभी वो बात की बात है, कंफ्यूज जाएंगे। चलिए 6 और 6 राज्यों की सीमा बताइए, 6 जिलों से सीमा कहां की लगती है बताइए, हरियाणा। हरियाणा की भी स्थिति को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना। ये देखिए पूरा हरियाणा है और यहीं से एनसीआर का कॉन्सेप्ट भी आपका निकल जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन का, ठीक है। तो हरियाणा से अगर हम लोग 6 जिलों की बात करें तो हरियाणा से जो 6 जिले हमारे हैं वो कौन कौन से हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, है ना, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। कहां कहां है बताइए, सहारनपुर, मैं करूं यहां पे देखो, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, है ना। फिर देखिए मेरठ नहीं लगता, गौतम बुद्ध नगर के बाद फिर हम लोग आगे आए तो ये क्या है, अलीगढ़, और ये क्या है, मथुरा। ये जो सीमा आप देख रहे हैं बेटा, ये जो सीमा यहां से बन रही है, ये सीमा हमारी किसके साथ बन रही है बताइए, ये आपकी कहां बन रही है बताइए, हरियाणा के साथ। क्लियर। तो हरियाणा के साथ सीमा कितने जिले, 6, कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत और इसके बाद कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। क्लियर है, हाँ 6 हो गए कि नहीं, आपके 6 जिले किसके साथ हैं बताइए, ये हरियाणा के साथ है। अब हम अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आते हैं एक बार, तो नेपाल के साथ बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अब नेपाल के साथ आज मैं बात नहीं करूंगा, आज मैंने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। अब कल से आपको मैप बुक लेके बैठना है और फिर इस सेशन को देखना है, नोट्स बनाने की बहुत जरूरत नहीं है, है ना। आज थोड़ा सा स्टूडियो लेट मिला इसलिए 30 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कल से इस क्लास की अवधि निश्चित रूप से बढ़ेगी और उम्मीद है कि एक बेसिक जानकारी, देखिए मैंने अलग अलग तरीके के मैप रखे हैं और अगले 3-4 दिनों में हम उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे और यूपी का मैटर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। तो कल हम यहां से, जहां से क्लास छोड़े हैं, यहीं से नेपाल से हम लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे। ये आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये जो नेपाल की अवस्थिति है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, यहां से हमें देखना है कि नेपाल की स्थिति आपकी कैसे बन रही है और क्या बन रही है, कितने जिले, है ना। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश राज्य छूती है वो कौन सी है, नेपाल की, है ना। और एक प्रदेश की सीमा छूती है, केंद्र शासित प्रदेश की एक ही सीमा छूती है, वो किसकी, दिल्ली की, है ना। तो नेपाल और दिल्ली के बारे में कल बात करते हुए और फिर हम लोग इसको यहीं से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक।